परंपरागत गेर निकलेगी, पूरे उत्साह के साथ परंपरागत गेर निकलेगी। सीएम मोहन यादव इंदौर गेर में शामिल होंगे, लाखों की संख्या में लोग गेर में होंगे शामिल। गेर मार्ग पर 10 ड्रोन से रखी जाएगी नजर, तो ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जानी है, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। रंग पंचमी का जमकर उत्साह लेते हुए, जमकर उल्लास एक दूसरे के साथ वहां पर शुभकामनाएं देते हुए और दिखाई देते हैं। साथ ही वहां पर आपको बता दें कि भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुटती है। 100 से अधिक सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, तो सीसीटीवी कैमरे जिनकी निगरानी में गेर का आयोजन किया जाना है। तो परंपरागत गेर आज निकलने वाली है और इसे लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई है। राजवाड़ा की छतों से रंग पंचमी की गेर देखने को मिलेगी। गेर का एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग देखने को मिलता है। लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, क्योंकि गेर इंदौर में और खासतौर पर मध्य प्रदेश में निकाली जाती है और इसके कई खास मायने हैं। 100 से अधिक सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। रंग पंचमी के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामना, बधाई पूरे प्रदेशवासियों को। रंगों का यह त्योहार आप सबके जीवन में मंगल करे। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। तो लाखों की संख्या में लोग गेर में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गेर मार्ग पर 10 ड्रोन कैमरों से नजर भी रखी जाएगी, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि यहां पर एक ही जगह पर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद ये जो गेर है उसका आयोजन किया जाता है। और साथ ही राजवाड़े की छतों से देखिए एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल उड़ाया जाता है। जो वहां पर लोग मौजूद होते हैं वो रंग पंचमी के एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और इस आयोजन का जमकर लुफ्त उठाते हैं, गेर का जमकर लुफ्त उठाते हैं। रंग पंचमी की जो धूम है वो इंदौर में आज देखने को मिलेगी। राजवाड़ा की छतों पर तमाम लोग इकट्ठा होंगे और गेर का उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती से रंग पंचमी पर्व की शुरुआत हुई। पंडित और पुरोहितों ने भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को प्राकृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। इस दौरान भक्तों ने भी बड़े उत्साह के साथ भस्म आरती में रंग पंचमी का उत्सव मनाया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान महाकालेश्वर के दरबार से सभी धार्मिक पर्वों की शुरुआत होती। रंग पंचमी पर्व की शुरुआत भी महाकाल के आंगन से ही हुई। अल सुबह भगवान महाकाल के दरबार के कपाट खोले गए। इसके बाद सबसे पहले भगवान महाकाल को जल और पंचामृत से स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान का श्रृंगार कर भव्य भस्म आरती की गई। इसके बाद भक्त और भगवान के बीच उनकी चमकर खिल गई। आज रंग पंचमी का दिन है और हम बाबा की भस्म आरती में सम्मिलित हुई और हमें इतना ज्यादा प्रफुल्लित फील हो रहा है। उनको टेशू के फूल का रंग फूल चढ़ाया गया और मैं बता नहीं पा रही, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब नेक्स्ट लेवल, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बाबा का आशीर्वाद मिला, साक्षात रूप देखने को मिला। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ भस्म आरती जरूर देखें। बहुत बहुत जय महाकाल, जय महाकाल। आरती के लिए आई थी और मैं चाहती हूँ आज रंग पंचमी के दिन ऐसी रंगों की, सबके जीवन में ऐसे रंगों की होली होती रहे। बाबा महाकाल के दरबार में रंग पंचमी महापर्व प्रातः काल बाबा पे केसर युक्त जल अर्पण किया गया है। परंपरागत अनुसार पूरी भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की गई है और तो भगवान महाकाल से यही प्रार्थना की गई है कि आने वाला समय मंगलमय हो। कल युगाब्द जो होता है जब बाबा महाकाल का ध्वज उड़ता है, इसीलिए आज रंग पंचमी है। आज बाबा महाकाल की विजय ध्वजा चारों तरफ निकलेगी।